हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम दिलीप, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते ही हो, हम हर संडे एक छोटा सा Q&A सेशन चलाते हैं और उस Q&A सेशन में हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। तो वैसे भी आज भी हमने एक छोटा सा Q&A सेशन चलाया और उस Q&A सेक्शन में हम आपके सवालों का जवाब देने वाले हैं। तो अगर आपका सवाल हमारे वीडियो पे है तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखना, और अगर आपका सवाल हमारे वीडियो पे नहीं है तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने से आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी को बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। पहला सवाल है, Redmi Note 5 में MIUI 11 अपडेट कब आएगा? तो दोस्तों आप सभी को हम बता दें कि Redmi Note 5 में आपको MIUI 11 का जो अपडेट है वो एक हफ्ते के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल है, Redmi Y2 में नेक्स्ट अपडेट कब देखने को मिलेगा? तो दोस्तों आप सभी को हम बता दें कि इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था और उसमें हमने कहा था कि Redmi Y2 को अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आया है नेक्स्ट अपडेट के बारे में। जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगा हम आपको बता देंगे। तो अगला सवाल है, क्या Redmi Note 4 में Android 10 का अपडेट देखने को मिलेगा? तो दोस्तों आप सभी को हम बता दें कि Redmi Note 4 में Android 10 का अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। तो अगला सवाल है, Redmi Y2 में क्या Android 10 का अपडेट देखने को मिलेगा? तो दोस्तों आप सभी को हम बता दें, जहाँ तक मुझे लगता है कि Redmi Y2 में Android 10 का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो अगला सवाल है, Redmi Note 7 Pro में नेक्स्ट अपडेट कब देखने को मिलेगा? तो दोस्तों आप सभी को हम बता दें कि Redmi Note 7 Pro में नेक्स्ट अपडेट का कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, क्योंकि इसका वीडियो बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि इस स्मार्टफोन के लिए थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है, तो अभी इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगला सवाल है, Redmi Note 5 में नेक्स्ट अपडेट कब देखने को मिलेगा? तो दोस्तों आप सभी को हम बता दें कि अभी तक Redmi Note 5 में MIUI 11 का अपडेट देखने को नहीं मिला है, तो आपको नेक्स्ट अपडेट कहां से देखने को मिलेगा? तो अगला सवाल है, Redmi Note 6 में MIUI 11 का अपडेट कब देखने को मिलेगा? तो दोस्तों आप सभी को हम बता दें कि Redmi Note 6 में MIUI 11 का अपडेट पहले से ही रोल आउट किया गया था, पर अगर आपको अभी तक देखने को नहीं मिला तो हो सकता है 3 से 4 दिन में आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल है, Redmi Note 6 Pro में MIUI 11 का अपडेट कब देखने को मिलेगा? तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि Redmi Note 6 Pro में पहले से ही MIUI 11 का अपडेट रोल आउट किया गया था, अगर आपको अभी तक देखने को नहीं मिला है तो आप 3 से 4 दिन के अंदर देखने को ज़रूर मिल जाएगा। अगला सवाल है, Redmi 5A में MIUI 11 का अपडेट रोल आउट करने के बाद मेरा मोबाइल इतना स्लो काम क्यों कर रहा है? तो दोस्तों आप सभी को हम बता दें कि MIUI 11 का जो अपडेट है, ये अपडेट अभी रोल आउट होना स्टार्ट हुआ है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे डिवाइस हैं जिन पर ये अपडेट थोड़ा स्लो काम कर रहा है। वैसे मैं ये जो अपडेट है, जहां तक बहुत सारे यूजर हैं उनके डिवाइस में अच्छा से रन कर रहा है, पर कुछ ऐसे डिवाइस हैं जिन पर स्लो काम कर रहा है। अगला सवाल है, Redmi 6A में MIUI 11 का अपडेट कब देखने को मिलेगा? तो दोस्तों आप सभी को हम बता दें कि Redmi 6A ये जो स्मार्टफोन है, इस स्मार्टफोन को पहले से ही MIUI 11 का अपडेट रोल आउट कर दिया गया था, अगर आपके डिवाइस में अभी तक देखने को नहीं मिला है तो हो सकता है कि Xiaomi की तरफ से इसे पब्लिकली रोल आउट कर दिया जाएगा, पर इसका डेट आप सभी को तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि अब इसका ऑफिशियली डेट नहीं आया किसी भी पब्लिकली रोल आउट अपडेट का, पर हो सकता है एक हफ्ते के अंदर जितने भी सारे डिवाइस हैं जिनको पब्लिकली रोल आउट कर दिया जाएगा। तो अगला सवाल है, Redmi Y2 में नेक्स्ट अपडेट कब देखने को मिलेगा? दोस्तों आप सभी को हम बता दें कि इसके बारे में हमने पहले ही से ही वीडियो बना दिया है, हमने इससे पहले भी इसके बारे में बता दिया कि इस डिवाइस को Android 10 का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगला सवाल है, Redmi Y2 में ऐप ड्रॉअर का ऑप्शन कब देखने को मिलेगा? सिस्टम लॉन्चर का जो अपडेट कब देखने को मिलेगा? तो दोस्तों आप सभी को हम बता दें कि अभी तक किसी भी डिवाइस में Xiaomi के सिस्टम लॉन्चर को अपडेट देखने को नहीं मिला है, क्योंकि जब उनको अपडेट देखने को मिलेगा तब उनके डिवाइस में ऐप ड्रॉअर का ऑप्शन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो वैसा तभी हो सकता है जब आपके डिवाइस में कोई नया अपडेट रोल आउट होगा, अभी तो फिलहाल MIUI 11 का अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हुआ है। अगला सवाल है, Redmi 7 में MIUI 11 का अपडेट कब देखने को मिलेगा? तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि Redmi 7 में MIUI 11 का अपडेट पहले से ही रोल आउट कर दिया गया, अगर जिनको अभी तक देखने को नहीं मिला है उनको पब्लिकली रोल आउट होने का वेट करना पड़ेगा। तो
तो अगला सवाल है, Redmi 7A में MIUI 11 का अपडेट कब देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि Redmi 7A में इस डिवाइस को MIUI 11 का अपडेट रोल आउट कर दिया गया है। अगर आपके डिवाइस में अभी तक देखने को नहीं मिला है तो आपको पब्लिकली रोल आउट होने का वेट करना होगा। अगला सवाल है कि हमारे डिवाइस में अभी तक MIUI 11 का अपडेट नहीं देखने को मिला है, क्योंकि इस डिवाइस को MIUI 11 का अपडेट रोल आउट कर दिया गया, उसके बावजूद भी हमें देखने को नहीं मिला है, क्यों और हमें कब तक देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप सभी को हम बता दें कि MIUI 11 का जो अपडेट है, जिस भी डिवाइस को रोल आउट किया जाता है उस डिवाइस को नहीं देखने को मिलता, क्योंकि इसे कुछ सेलेक्टेड यूजर को ही देखने को मिलता है। अगर आपके डिवाइस में अभी तक देखने को नहीं मिला तो आपको पब्लिकली रोल आउट होने का वेट होना पड़ेगा। पर दोस्तों आप सभी को बता दें कि जिस भी डिवाइस का जो अपडेट है उसे पब्लिकली रोल आउट होने के लिए आपको और 10 दिन तक वेट करना पड़ेगा। दिसंबर के सेकंड वीक तक हो सकता है आपके डिवाइस में MIUI 11 के अपडेट देखने को मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को एक लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।